हेलो स्टूडेंट्स, एनएलएम को आज अपन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आगे एक स्पेशल न्यूमेरिकल यानी पुलिस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है उनकी बात करेंगे। तो आज यहाँ पे अपन एनएलएम के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बात करते हैं अपन एनएलएम की। तो देखो इसके अंदर क्या है कि क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करते हैं। एक ब्लॉक है यहां पर, ये एक ब्लॉक है M1 द्रव्यमान का, ठीक है। और यहां पर एक ब्लॉक है M2 द्रव्यमान का, और यहां फोर्स लगाया जा रहा है F M1 पे। अब देखो ये और ये, यानी इसका ये जो सरफेस है इसका भी और इसका भी सरफेस क्या है, स्मूथ है। तो आप ऐसे बोल सकते हो ऑल सरफेस आर स्मूथ, यानी इस M1 द्रव्यमान वाले ब्लॉक पर M2 द्रव्यमान वाला ब्लॉक रखा तो हुआ है लेकिन इनके बीच घर्षण नहीं है। स्मूथ होने का मतलब ये क्या है, फ्रिक्शन लेस, यानी घर्षण ही नहीं, यानी ऐसे आराम से फिसलेगा। ये नहीं कि M1 द्रव्यमान पर जब हमने फोर्स F लगाया तो M1 द्रव्यमान तो आगे जाएगा, M1 द्रव्यमान तो क्या करेगा, आगे जाएगा। लेकिन ये जो सरफेस है ये वाला, ये सरफेस स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब M2 इसके आगे नहीं चलेगा क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं। तो ये M1 देखो आगे जा रहा है तो M2 ऐसे ऐसे, जैसे ही M1 निकलेगा यहां से M2 नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अगर यहां ये स्मूथ नहीं होता तब तो M2 आगे चलता, ठीक है। अब यहां पे अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ए निकालना है। इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, त्वरण निकालना है। तो देखो M1 पर बल लग रहा है F, तो M1 आगे की ओर चलेगा, आगे की ओर चलेगा इधर A1 त्वरण से, अपन ने ये बोल दिया M1 चलेगा A1 त्वरण से इधर, क्योंकि इधर बल लग रहा है तो इधर ही तो चलेगा ना। अब जो M1 है इस पर एक फोर्स नीचे की ओर लगेगा M1G लगेगा। अब देखो इस सरफेस पे है M1, तो नॉर्मल रिएक्शन M1 पर ये सरफेस लगाएगा ऊपर की ओर N, और M1 सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे की ओर लगाएगा N। अब देखो जो M2 है, M2 पर लग रहा है नीचे क्या, M2 पे क्या लग रहा है नीचे, M2G लग रहा है, वो छोड़ो। लेकिन M2 पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है वो कितनी है, N1 है। M2 पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है, N1। कौन लगा रहा है, ये M1 वाला जो सरफेस है, वरना तो ये नीचे गिर जाता है ना। तो देखो अब M2 कुछ द्रव्यमान है इस पे रखा हुआ है, तो ये सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन N1, बाकी आप पीछे वाले वीडियो देखो क्लियर हो जाएगा। अब ये जो M1 का सरफेस है ये M2 पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा रही है, लेकिन M2 भी तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा किधर, नीचे की ओर N1 ये लगाएगा। ये M2 लगा रहा है किस पर, M1 पर नॉर्मल रिएक्शन, ये वाली N1। लेकिन जो ऊपर वाली लग रही है वो M1 का सरफेस लगा रहा है M2 पे। बोलो कोई दिक्कत। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब M1 है तो ये लो M1। अब M1 पे फोर्स F इधर लग रहा है ना, तो ये रहा इधर फोर्स F लग रहा है। अब जब फोर्स इधर लग रहा है तो M1 इधर चलेगा, चलेगा यहां से इधर, इधर चलेगा। जैसे ही यहां से M1 आगे निकलेगा इधर, तो सरफेस स्मूथ है, M2 तो इधर ही रहेगा। जैसे ही ये निकलेगा M2 नीचे गिर जाएगा। तो ये तो F हो गया, ये इधर कौन से एक्सेलरेशन से जा रहा है, A1 त्वरण से जा रहा है, इधर इधर जा रहा है ये A1 त्वरण से। F लगाने पे नीचे देखो M1 पे क्या लग रही है,
M1G लग रही है, एक तो एक M1 पे नीचे की ओर, ये देखो नॉर्मल रिएक्शन N1 और लग रही है ना इधर, ये रही N1, ठीक है, और एक M1 पर ऊपर लग रही है क्या N। आधे सोच रहे हैं कि सर फिर तो यहाँ सरफेस पे भी तो नीचे की ओर N जरूर लगेगी, लेकिन ये जो नीचे की ओर N है ये इस सरफेस पे लग रही है ना कि M1 पे। हम फ्री बॉडी डायग्राम में क्या देखते हैं, किसी एक बॉडी पर कितनी फोर्स लग रही है, इतनी फोर्स लग रही है। तो देखो ये जो M1 ब्लॉक है ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, जहां है वहीं है, तो इसका मतलब ये बल और ये बल इक्वल है। तो क्या है, N किसके इक्वल है, N इज इक्वल किसके इक्वल है, N1 प्लस M1G इसके इक्वल है। ये N जो नीचे की ओर जो टोटल फोर्स लग रहा है उसके इक्वल है। अब एक चीज और, अब बल F इधर लग रहा है, तो F इज इक्वल क्या होता है, MA। हम यहां पे जो देख रहे हैं F नेट इज इक्वल MA, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, मास को कांस्टेंट लेके, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो इधर F है, F इज इक्वल MA, M क्या है यहां पे M1, A क्या है यहां पे A1। तो अपना टारगेट था A निकालना, किसका A निकालना है, मास M1 एंड मास M2 का। तो यहां से A1 निकालें, तो A1 कैसे निकलेगा, यहां से A1 निकालने, तो M1 इधर आ जाएगा ना, F अपॉन M1 इधर अपॉन में A1 आ गया, यानी पहली बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल लिया अपने, ये निकाल लिया, ठीक है। अब देखो M2 के लिए देखें, M2 पे कितने बल लग रहे हैं, M2 पे देखो, एक तो नीचे की ओर लगेगा, क्या लगेगा, M2G, M2 पे एक भार बल नीचे की ओर M2G, एक ये सरफेस लगाएगा ऊपर की ओर क्या N1, ये दो ही तो फोर्स लगेंगे, यानी ये F तो इधर लगेगा ही नहीं क्योंकि स्मूथ है। ये जो N1 था, ये N1 जो नीचे की ओर है, ये तो M1 पे लगा था ना कि M2 पे, M2 पे तो दो ही लग रहे हैं M2G और N1, तो यहां से क्या आ जाएगा N1 और ये बराबर होगा N1 इज इक्वल M2G, क्यों, क्योंकि M2 ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा, ये होगा। अब यहां पे A2 क्या होगा, ये बॉडी देखो चलेगी नहीं, देखो M1 आगे जा रही है इधर, लेकिन M2 तो जाए वही है ना, तो M2 है ही नहीं चेंज वेलोसिटी में, तो A2 इज इक्वल 0, यानी इसका जो A2 है वो क्या होगा, 0 होगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब देखो आपको ऐसे बोल देता क्वेश्चन कि M2 की नॉर्मल रिएक्शन देखो, तो M2 की नॉर्मल रिएक्शन N1 है, तो N1 आपने निकाल ली, M2 की नॉर्मल रिएक्शन ये रही। ये जरूरी नहीं कि हमेशा M2G लगेगा, नहीं कुछ और भी लग सकता है, पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई है, ठीक है। अब यहां पे देखो बात करते हैं इसकी नॉर्मल रिएक्शन की, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हो, देखो N इज इक्वल, अब आपको पता चल गया ना N1 कितना है, तो N1 कितना है M2G, और ये इधर कितना है M1G, तो N कितना आएगा यहां से M1 प्लस M2, यानी G कॉमन लिया है, ये आ जाएगा N। बाकी आपको निकालना क्या था, यहाँ पे त्वरण A निकालना था, तो इसका त्वरण A1 आप निकाल चुके हो, ये बॉडी इधर जा ही नहीं रही, तो इसका त्वरण A2 क्या होगा, 0। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देख रहे हैं नीचे तक आया है या नहीं, हाँ छप चुका है आराम से, अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा है ना। अब देखो इधर, अब ऐसी प्रॉब्लम एक और लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहां भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पीछे मैंने क्या बोला था कि पूरी बॉडी को सिस्टम मान लो, अपने को एक्सेलरेशन तो निकालना ही है, तो पूरी बॉडी को क्या मान लो, सिस्टम मान लो। और आपको मैंने बताया था ना कि एफ नेट इज इक्वल MA, M क्या टोटल और A त्वरण, तो इस कंप्लीट बॉडी को आप सिस्टम मानोगे तो इसका मास क्या हो जाएगा, M टोटल क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 ये हो जाएगा, और A त्वरण है ही, F नेट इस पे F लग ही रहा है बाह्य बल, तो यहां से A आ जाता ना सीधा सीधा ही,
एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, इतना काम क्यों किया है? यानी ए निकालना था, एम वन प्लस एम टू इधर नीचे आ जाता, ए आ जाता ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है वो रॉन्ग है यहां पे। क्यों? क्योंकि जो एम टू है ये सरफेस स्मूथ है, यानी M2 अगर जितना ये M1 चल रहा था A1 त्वरण से, अगर M2 भी A1 त्वरण से चलता, यहां पे फ्रिक्शन होता, तब ये कॉन्सेप्ट काम में आता आपके। लेकिन अब ऐसे अलग अलग निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कॉल सिस्टम लेके बोला था ना, वो बात है यहाँ पे। अब देखो इसके बाद आज अपन सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखोगे आप यहाँ से, ठीक है? तो साथ साथ में पोज करके आप छाप भी सकते हो इनको। अब देखो सारे इस पे डिपेंड है, एफ नेट इज इक्वल एम ए पे। और आज मैं आपको एक पुली की ट्रिक भी बताऊंगा, और आगे वाला जो लेक्चर है अपना सारा पुली का होने वाला है। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए, सीधी सी बात है वो कॉन्सेप्ट तो है ही, ऑल सरफेस आर स्मूथ, ऑल सरफेस आर स्मूथ, ये मामला। अब देखो ये सरफेस है, क्या है ये सरफेस है, यहां पर एक ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, ठीक है? इस ब्लॉक की जो लेंथ है वो है 4 मीटर। क्वेश्चन है अपना 5 किलोग्राम ब्लॉक की जो लेंथ है, ये लंबाई, ये 4 मीटर है। यहां पर रखा हुआ है एक 2 केजी का ब्लॉक। अब इस 5 केजी वाले पर इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है, तो हमें ये बताना है। देखो ऑल सरफेस आर स्मूथ है, स्मूथ होने का मतलब यहां पे जो सरफेस स्मूथ है तो 5 केजी आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये भी तो स्मूथ है ना, तो 5 केजी आगे निकल जाएगा। तो 5 केजी देखो यहां से आगे निकल रहा है, और यहां यानी यहां से निकलते हुए जब ये 5 केजी यहां पहुंचेगा, देखो ये पार्ट तो आगे निकल जाएगा, जब ये जो है ये यहां पहुंचेगा तो इधर जा रहा है तो 4 मीटर दूरी तय करेगा। अरे यहां से यहां तक आने में ये पार्ट 4 मीटर दूरी तय करेगा, जैसे ही आगे निकलेगा तो 2 केजी, यानी सरफेस स्मूथ है, 2 केजी साथ साथ तो नहीं चलेगा, 2 केजी क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो इस ब्लॉक से टू केजी कितने टाइम बाद गिरेगा, कितने टाइम बाद गिरेगा, ये देखना है अपने को, ठीक है? यानी कितने टाइम बाद ये मामला 2 केजी वाला नीचे गिर जाएगा। सीधी सी बात है यहां से ये 4 मीटर आगे चलेगा ये वाला, तो ये तो आगे निकल जाएगा, फिर 2 केजी नीचे ही गिरेगा, साथ नहीं चल सकता, क्योंकि सरफेस आर स्मूथ, याद रखना ये बात, याद रखना अच्छे ढंग से। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये देखो 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो सिर्फ 5 किलोग्राम पे लग रहा है। किस पे लग रहा है? 5 किलोग्राम पे। आप यहां से जानते हो F इज इक्वल क्या होता है, एम ए। एफ कितना है देखो 5 केजी, इसका त्वरण अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन लग रहा है, तो F की जगह 10। एम, इसका एम कितना है, 5 है, और ये 5 केजी वाला इधर जा रहा है किससे, ए त्वरण से, तो 5 ए यहां पे ये आ गया। अब अपने को ए निकालना है तो 5 इधर आएगा, तो ए इज इक्वल 10/5, यानी ए क्या आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ए 2 आ गया। यानी ये जो 5 केजी वाला ब्लॉक है इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे जा रहा है, इस पे जब अपन 10 न्यूटन बल लगाते हैं, एफ इज इक्वल एम ए, एफ है एम है, ए निकाल लिया, तो ये जा रहा है ए, यानी कितने से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है? अब इस ब्लॉक का नामकरण कर देते हैं, इसको बोला ए, और इस ब्लॉक को अपन ने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। इस ब्लॉक को ए बोला, इस ब्लॉक को क्या बोल दिया, बी।
अब मान लो इस ब्लॉक के अंदर खड़ा है ऑब्जर्वर, ये देखने वाला, अब ये यहां पे खड़ा है। तो जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जा रहा है, जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जा रहा है, मूव कौन कर रहा है? ब्लॉक, यानी ये ब्लॉक आगे जा रहा है, ये है ऑब्जर्वर। तो ब्लॉक तो ये आगे जा रहा है, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर ये मान लो ऑब्जर्वर खड़ा है इस ब्लॉक ए के अंदर। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि 2 kg पीछे जा रहा है। 2 kg क्या जा रहा है? पीछे। जैसे हम बस में या गाड़ी में सफर करते हैं तो जो सड़क के किनारे जो पेड़ होते हैं वो होते तो स्थिर है, लेकिन हम देखो इधर जा रहे हैं तो अपने को ऐसा फील होता है कि पेड़ पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि 2 kg वाला इधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, ठीक है। कितने त्वरण से? a इज इक्वल 2 से इधर जा रहा है तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यानी अगर ये ऑब्जर्वर खुद को स्थिर माने तब इसको ऐसे लगेगा कि ये इधर जा रहा है। जैसे हम बस में बैठे हैं पेड़ पीछे की ओर जाते हुए दिखते हैं, पेड़ चलते थोड़े हैं, नहीं ना, ऐसा ही अपने को ये लगेगा कि ये इधर जा रहा है। कैसे? आप निकाल भी सकते हो एक्सेलरेशन किसका? ब्लॉक बी का। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं, पीछे जो चैप्टर पढ़ा था उसमें ए बी माइनस ए ए यही होगा। देखो ए किसका? बी का, विद रिस्पेक्ट टू ए में, तो ए बी इसका माइनस इसका त्वरण। तो ये क्या है? स्मूथ सरफेस। तो ए बी यहां पे क्या है? जीरो। ए बी यहां पे क्या है? जीरो। तो ए बी ए, ए बी जीरो है, लेकिन बी ए के रिस्पेक्ट में कितना है? देखो ए बी तो जीरो माइनस ए ए, ए ए किसका? ए का, यही है। ये क्या है? माइनस का 2। तो ए बी ए क्या आएगा? माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बोला था ना जैसे ही डायरेक्शन बदल दी तो ये किसका आ गया? माइनस का। किसका आ गया? ये माइनस का आ गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखो इसका स्टार्ट में इसकी वेलोसिटी क्या थी? यू बी की स्टार्ट में वेलोसिटी 0 थी। अब देखो ये 2 kg, देखो आगे बॉडी जा रही है 5 kg वाली, यानी 5 kg वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर यहां बैठा है, इसको क्या लग रहा है कि 2 kg वाला इधर जा रहा है। कैसे ही सोच लो, इसको इधर लेके सोच लो चाहे इसको इधर। तो जैसे ही मान लो 2 kg इधर से इधर जा रहा है, 2 kg वाला इधर जा रहा है, यू यू यू, तो नीचे कब गिरेगा? 4 मीटर चलने के बाद, 4 मीटर चलने के बाद। तो एस बी ए, अपने को तो वही टाइम देखना है ना कि यहां से नीचे कब गिरेगा, चाहे ये बोल दो ये 4 मीटर इधर चला जाए या ये इधर चला जाए। तो एस बी ए, एस ए कौन चलेगा? 2 kg वाला ब्लॉक, यानी एस बी ए, यानी एस बी माइनस एस ए, यानी कितना चलेगा? 4 मीटर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब आप जानते हो गति का दूसरा समीकरण s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s ba की बात करें तो ये 4 मीटर इधर, देखो ये इधर चल रहा है तो 4 मीटर इधर, तो किसका? माइनस का 4 बोल दो। अब यहां पे देखो इसका प्रारंभिक वेग u क्या था? 0। तो 0 गुणा टी प्लस हाफ ए क्या है? इधर है, किसका है? हाफ गुणा ए माइनस का 2 है, ए माइनस का 2 इधर है, और गुणा में क्या है? टी स्क्वायर, यानी 0 गुणा टी, ये 0, ये है माइनस का 4, 2 से 2 गया, माइनस का इधर क्या बचा? टी स्क्वायर इसका ये। अब यहां से टी क्या आएगा? रूट 4 स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 2 सेकंड। अब समय माइनस में तो होगा नहीं, तो टी बराबर क्या आएगा? 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड बाद ये ब्लॉक इधर आके नीचे गिर जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, छप तो चुका ना सारा? हाँ सारा छप रहा है। अब देखो इसके बाद अपन किसकी बात करेंगे? अब अपन निकालेंगे टी, निकालेंगे टेंशन फोर्स, निकालेंगे स्ट्रिंग की, और 2 या 2 से ज्यादा ब्लॉक लेके करेंगे। ये जो है वो 2 या 2 से
ज़्यादा ब्लॉक लेके करेंगे। तो टेंशन फोर्स वाला मेरा जो वीडियो था, पहला वीडियो था, वो अगर आपने देखा है तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो पहले वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो मामला यहाँ पे किसका आता है, टेंशन फोर्स का। देखो यहाँ पे ये रहा सरफेस, ये ब्लॉक है M1 मास वाला, ये स्ट्रिंग है, ये M2 मास है, ये स्ट्रिंग हो गई, और इस पे फोर्स लगाए F। क्या लगाए F, तो अपने को देखना क्या है, एक तो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स देखना है यानी T देखना है, एक जो ब्लॉक है M1 मास वाला और M2 मास वाला इनका एक्सेलरेशन देखना है। अपने को इनका क्या देखना है, एक्सेलरेशन A देखना है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, यानी एक मान लो, ऐसे मान लो एक इंट ये बंदी है, एक इंट ये बंदी है, ये रस्सी है। अब ध्यान से देखना एक बार, मैं फिर से आपको ये कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि टेंशन फोर्स है ना, उसकी डायरेक्शन होती है बॉडी से दूर, जिस बॉडी पे लग रहा है उससे दूर की साइड। अब देखो ये मान लो, ऐसे मान लो दो इंटे हैं, ये एक इंट ये एक इंट ये, ये एक फर्श है, इसको किसी रस्सी से बांध दिया ऐसे। तो जो M2 है, मैं M2 को पकड़ के खींचू इधर, ये इस इंट को पकड़ के खींचू तो रस्सी में तनाव आ जाएगा, यानी रस्सी तन जाएगी। अब देखो M2 को पकड़ के मैं खींच रहा हूं, अब इस रस्सी को बीच से काट दो तो M2 आसानी से आएगा, लेकिन M1 से ये रस्सी बंधी है तो अब मैं M2 को खींचू तो थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि M2 को इधर तो मैं खींच रहा हूं लेकिन इधर रस्सी में तनाव आ गया, यानी रस्सी को M1 की वजह से तनाव आया, तो मैं तो इधर खींच रहा हूं लेकिन M2 को रस्सी खींच रही है अपोजिट साइड, तभी तो कट किया तो आसानी से चला, यानी इस पे इधर टेंशन लग रही है ना, टी लग रही है या नहीं, यानी मैंने फोर्स किस पे लगाया, मान लो इस इंट पे लगाया, लेकिन इस इंट पे मैंने फोर्स लगाया क्या, नहीं लगाया, इसमें तो रस्सी में तनाव आया है तो इस पे इधर इस टेंशन की वजह से इधर एक टेंशन फोर्स लगी है M1 पे, ये रस्सी इस M1 को खींच रही है, M1 को रस्सी खींच रही है इधर, हम तो M2 को खींच रहे हैं लेकिन M2 को भी रस्सी इधर खींच रही है। क्यों, M1 की वजह से, क्योंकि M1 बंधा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, भार है, तो तनन पैदा होगा, इसमें तनाव आएगा तो ये इधर खींचेगा। तो देखो हमेशा ही टेंशन फोर्स है वो बॉडी से दूर लगेगा, यानी जो M2 ब्लॉक है इस पे जो टेंशन फोर्स, इससे देखो M2 से दूर जा रहा है, ये ट्रिक याद रखना, बाकी टेंशन फोर्स आप दोबारा वो वीडियो देख लो। अब M1 है तो M1 से भी टेंशन क्या लगेगी, दूर लगेगी। अब देखो अपने को एक्सेलरेशन निकालना है और टी निकालना है, हाँ यहां पे आप वो कमाइंड कर सकते हो, इसको टोटल सिस्टम मान के मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो एफ फोर्स लगा तो ये रस्सी में जब तनन है, तनाव है, तो जितना M2 चलेगा उतना ही M1 चलेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे M2 जाएगा वैसे वैसे M1 जाएगा ना, क्योंकि बंधा हुआ है, तो जितनी डिस्टेंस M2 तय करेगा उतनी ही डिस्टेंस M1 तय करेगा। जो वेलोसिटी M2 की होगी वही M1 की होगी, जो त्वरण M2 का होगा वही M1 का होगा, यानी यहां पे भी त्वरण A से चलेगा और ये भी त्वरण A से चलेगा, ये निकालना था पहले। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, इसकी करें तो नीचे की ओर क्या लगेगा इस पर, M1G, ऊपर की ओर ये सरफेस, इस पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन N1। तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम किसका, M1 वाले ब्लॉक का, नीचे क्या लगा M1G, नीचे लगा M1G, ऊपर क्या लगा N1, ऊपर N1 लगा, इधर ये A त्वरण से जा रहा है। क्यों, क्योंकि इस M1 पे जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, T, तो इधर A एक्सेलरेशन से जा रही है, जैसे ही ये जा रही है वैसे ही ये जा रही है, तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम होगा, इस पे इधर T लगा। अब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, देखो M2 का, तो M2 पे नीचे क्या लगी M2G, ऊपर क्या लगी N2, तो देखो
एम टू पे नीचे लगी एम टू जी, ऊपर क्या लगी एन टू, और एम टू द्रव्यमान वाला ब्लॉक था तो इधर क्या लगा एम टू पे फोर्स एफ लगा। अब एम टू पे इधर क्या लगा टेंशन टी, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो इधर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा एन वन इज इक्वल एम वन जी, ये क्यों, क्योंकि एम वन ब्लॉक ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा ना, तो ये जो ऊर्ध्वाधर बल है ये तो इक्वल इक्वल होंगे तभी तो नहीं जा रहा ना, जितना इधर उतना इधर, लेकिन आगे तो जा रहा है ना, जैसे एम टू जा रहा है वैसे ये जा रहा है, तो आगे जा रहा है कौन से फोर्स से टी से, तो टी इज इक्वल फोर्स क्या होता है एम ए, एम क्या है इसका एम वन, त्वरण क्या है ए, ये रहा वो इक्वेशन वगैरह आप दे दोगे। अब ये भी देखो एम टू भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो जितना एन टू है उतना ही क्या है एम टू, तो यहाँ से एन टू अगर आपको इनके नॉर्मल रिएक्शन निकालने पड़े तो आप ऐसे निकाल सकते हो ना एम टू जी। अब देखो ये एम टू है इस पर दो फोर्स लग रहा है एफ, तो इधर इधर वाला तो हमने पॉजिटिव ले लिया ये तो, और ये वाला क्या ले लिया अपन ने नेगेटिव, और ये भी कौन से त्वरण से जा रही है ए से, तो एफ अब इधर वाला देखो माइनस टी, एफ माइनस टी इज इक्वल इसका द्रव्यमान एम टू, और ये भी जा तो ए ही त्वरण से रही है ना, तो एम टू ए, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो टी इज इक्वल क्या है एम वन ए है ये रही, और ये क्या है एफ माइनस टी इज इक्वल एम टू ए, बोलो कोई दिक्कत। इनको ऐड कर दो, इनको क्या कर दो ऐड कर दो, तो टी से टी गया यानी ये प्लस का ये माइनस का, इधर क्या बचा एफ, इधर एम वन ए प्लस एम टू ए, तो एफ इज इक्वल इनमें ए कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा तो क्या आएगा एम वन प्लस एम टू, और क्या आ जाएगा ए, ए कॉमन आया। अब अपने को निकालना ए है तो ये इधर, तो ए निकालेंगे तो ये क्या है एफ, और ये इधर आएगा तो एम वन प्लस एम टू, यानी हमने क्या निकाल लिया एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हमें क्या देखना था टी इन स्ट्रिंग यानी टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, यानी इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स टी निकालना था, तो इसकी ये जो इक्वेशन है टी इज इक्वल एम वन ए यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास मास है ही और रस्सी एक ही है, तो इस साइड जो टेंशन है या इस साइड, दोनों साइड टेंशन, तो खिंच तो दोनों साइड सेम ही होगी ना, खिंची टेंशन है, खिंचाव के कारण जो फोर्स होती है मैंने पीछे वीडियो में बताया है, तो ये टी टी तो सेम ही है, ये इक्वेशन काम में ले लो चाहे ये ले लो, मान वो ही आना है। तो देखो टी इज इक्वल ये आ गया एम वन, और ए क्या है यहाँ पे ए हमने अभी अभी निकाला है ना एक्सेलरेशन, तो ए की जगह ये क्या आएगा एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये आ गया टेंशन फोर्स। अब देखो आप जानते हो एक शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे काम में ले सकते थे, क्यों, क्योंकि जितना एम वन इधर जा रहा है उतना ही एम टू जा रहा है, तो टोटल को क्या मान लो सिस्टम मान लो, तो फोर्स सिर्फ अब एक्सटर्नल बाह्य बल देखेंगे, आंतरिक बल नहीं देखेंगे अब, क्योंकि जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे सिर्फ आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, टेंशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर आपको सीधा एक्सेलरेशन निकालना पड़े तब कैसे निकालोगे, पूरे को सिस्टम माना तो आपको पता है एम टोटल कितना आया, फिर इसका एम वन है इसका एम टू, तो एम टोटल क्या आया एम वन प्लस एम टू आ गया एम टोटल, ये भी ए से जा रही है ये भी ए से, तो एक्सेलरेशन ए है ही, तो देखो एफ नेट क्या लगेगा एम टोटल इंटू ए, अपने को ए चाहिए यहां से, तो इधर ए के इक्वल में क्या है एफ नेट अपॉन एम टोटल, ये रहा एम टोटल, तो ए इज इक्वल एफ नेट क्या है इस कंप्लीट सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है वो ये एफ वाला यही तो लग रहा है ना, तो ये जो एफ वाला लग रहा है तो एफ नेट की जगह क्या आ जाएगा एफ अपॉन एम टोटल क्या है एम वन प्लस एम टू, एम टोटल तो यही है ना, तो ये आ गया एम वन प्लस एम टू। हम ए तो ऐसे भी निकाल सकते थे, देख लो ये और ये सेम ही तो है, लेकिन
तो फिर आप बोलोगे सर पीछे वाले में, देखो पीछे वाले में क्या था, मामला स्मूथ था, यानी M1 आगे निकल रहा था, M2 वहीं पे था। यहाँ पे देखो जितना M1 आगे जा रहा है उतना ही M2 आगे जा रहा है, तब अपन ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक वैल्यू लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। हाँ सही आ रहा है ना, चलो ठीक है, अब एक वैल्यू लेके क्वेश्चन सही करते हैं। और देखो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके, ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं, और आप तभी ये न्यूमेरिकल कर पाओगे जब मेरे एनएलएम वाले आपने सारे लेक्चर देखे हो, या आपको पहले से एनएलएम में टेंशन फोर्स और इनका नॉलेज हो, आपने कहीं से भी पढ़े हो लेकिन पढ़े हो, तब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्मेट पे अपने पास फुल टाइम है, अपन कितने भी ज़्यादा लेक्चर बना सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर यानी अब बेटा जी जो प्लस वन प्लस टू में नीट और आईआईटी के हिसाब से जितने भी वीडियो बनेंगे अपन लगातार लगे रहेंगे, ठीक है, और आप भी क्लासेस देखते रहें ताकि हौसला बना रहे बेटा, ना। अब देखो यहाँ पे टू ब्लॉक है, चलो मैं आपको एक थ्री ब्लॉक का क्वेश्चन देता हूँ, पहले आप रोक कर पॉज करना इसको, अगर आपसे निकलेगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे जो ब्लॉक है वो है 2 kg का, फिर स्ट्रिंग, यहाँ पे जो ब्लॉक है वो है 1 kg का, फिर एक नई स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो ब्लॉक है वो है 3 kg का, ठीक है। अब इस पर इधर F लग रहा है 6 newton, इतना फोर्स लग रहा है F। अब हमें क्या निकालना है कि ये जो स्ट्रिंग है ये वाली और ये वाली, तो एक तो अपने को टेंशन निकालना है किसमें, स्ट्रिंग में, एक एक्सेलरेशन निकालना है किसका, ऑल ब्लॉक का एक्सेलरेशन, सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले तो आप इसको पॉज करके सॉल्व करो, पॉज कर लो और फिर सॉल्व करो, ठीक है, 1 2 3 4 अब स्टार्ट करते हैं। आपने पॉज करके कर लिया होगा बेटा क्वेश्चन, अगर नहीं भी किया है तो देख लो, अगर कर लिया तो देख लो सही है या नहीं। देखो अब ये 6 newton किस पे लग रहा है, 3 kg पे, इधर लगा, लेकिन अब 3 kg पे ये देखो ये स्ट्रिंग है, तो ये 1 kg से भी बंधी है और 2 kg से भी बंधी है, तो ये स्ट्रिंग इस 3 kg को इधर भी खींचेगी ना, यानी टेंशन फोर्स क्या होता है ब्लॉक से दूर, तो 3 पे इधर लगेगा, ये बोल दिया अपन ने T1। अब 3 kg आगे जा रही है एक्सेलरेशन A से, क्योंकि 6 newton बल लगा तो ये तो आगे जाएगी जाएगी। अब इस पे T1 इधर भी लगा, अब 1 kg भी आगे जा रहा है क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन है, तो जितना 3 kg आगे जाएगा, जितनी वेलोसिटी में चेंज 3 kg की होगा उतना ही 1 kg, जितना ये आगे उतना ही ये, तो इसका भी एक्सेलरेशन A, लेकिन इस पे क्या 6 newton फोर्स लगाए, नहीं, इस रस्सी के कारण 1 kg पे टेंशन फोर्स लगाए, टेंशन फोर्स बॉडी से दूर, ब्लॉक से दूर, यानी इधर नहीं इधर लगेगा, ये रहा T1। स्ट्रिंग सेम थी, तो जब स्ट्रिंग सेम होती है तो टेंशन फोर्स सेम लगता है, ये मैं पीछे के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अब जो 1 kg है, 1 kg पर इधर तो इसको ये T1 से खींच रहा है, यानी ये आगे जा रहा है, सीधी सी बात है, A1 से इधर जा रहा है, लेकिन 1 kg पे एक रस्सी इधर भी बंधी है और यहाँ पे ये 2 kg का ब्लॉक है, तो इस रस्सी में भी टेंशन है, तो अब एक तो इसको यहाँ से बीच से काट दो, ये 1 kg इधर आराम से जाएगा, लेकिन इससे बंधा हुआ है तो इस अपोजिट साइड भी तो फोर्स लग रहा है, तो 1 kg यानी ब्लॉक से दूर इधर भी टेंशन लगेगी, क्या यहाँ पे भी T1 होगी, नहीं, स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन भी क्या होगी, चेंज। अब 2 kg भी आगे चल रहा है, जितना 3 kg चल रहा है, जितना 1 kg चल रहा है उतना ही क्या चल रहा है, 2 kg चल रहा है, तो 2 kg भी उतना उतना ही चलेगा, तो 2 kg का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन A से ये आगे जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने को A तो
ए निकालना है। अब 2 kg इधर गया तो 2 kg पे टेंशन ब्लॉक से दूर, यानी टेटो इधर। अब देखना है इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे की ओर क्या लगेगा 2g, ऊपर क्या लगा n1। ए त्वरण से ये क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। कि क्या लग रहा है 2 kg पर इधर t2, तो ये देखो 2 kg, ठीक है। नीचे की ओर 2g, ऊपर की ओर n1, इधर t2, और एक्सेलरेशन भी इधर a से जा रहा है, तो ये रहा t2 और a एक्सेलरेशन से ये इधर जा रहा है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखो यहां से ये 2 kg ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो ये और ये फोर्स क्या है, इक्वल होंगे, यानी n1 बराबर क्या आएगा 2g। अब इधर देखो ये t2 फोर्स है ना, तो t2 इधर, t2 इज इक्वल, यानी फोर्स इज इक्वल द्रव्यमान गुणा त्वरण, m क्या है 2a, a है ही, ये रहा। इसको इक्वेशन क्या बोल दो, फर्स्ट बोल दो। ऐसे ही इसका फ्री बॉडी डायग्राम, यानी यहाँ पे नीचे क्या है 1g। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग होगी ना, तो ये सरफेस तो इस पे n1 और ये इस पे n2। देखो नीचे देखो 2 kg इस सरफेस पे भी तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगा रही है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में किसी एक बॉडी पर लगने वाली फोर्स देखते हैं। तो अब देखो इधर, तो अब यहाँ पे देखना ये है 1 kg, इस 1 kg पे नीचे की ओर क्या लग रही है 1g, ऊपर की ओर क्या लग रही है n2 लग रही है। अब ये जो 1 kg है इस पे इधर t1 नहीं लग रही क्या, ये देखो ये t1, क्या सिर्फ t1 लग रही है, नहीं, इस 1 kg पे t2 इधर भी तो लग रही है, तो ये लो t2। अब ये 1 kg इधर जा रहा है किस से, ए त्वरण से। तो देखो ये 1 kg का ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहा, यानी ये और ये इक्वल है, तो n2 इज इक्वल क्या आएगा 1g आ जाएगा। अब देखो ये इधर जा रही है, तो इस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और इस साइड के फोर्स को नेगेटिव। इधर वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या लिया अपन ने t1, इधर वाला नेगेटिव -t2, लेकिन जा इधर रही है ए त्वरण से, तो इसका द्रव्यमान कितना है 1 kg, तो 1a इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ऐसे ही देखो 3 kg वाला मामला, तो 3 kg वाला क्या है, ये रहा 3 kg। अब इस पे 3g नीचे की ओर, n3 ऊपर, तो ये लो 3g इस पे नीचे की ओर, n3 ऊपर, इधर क्या लग रही है, इधर इस पे f लग रही है देख लो, और इधर भी तो इस पे टेंशन फोर्स लग रही है t1। कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ेंगे, फिर से ये और ये इक्वल, क्योंकि ऊपर नीचे तो जा नहीं रहे, इधर ही जा रहे हैं, तो क्या आएगा n3 इज इक्वल 3g। लेकिन ये देखो इस साइड क्या है, ये पॉजिटिव, इस साइड क्या है फोर्स नेगेटिव, इधर प्लस इधर माइनस। लेकिन ये बॉडी भी देखो a एक्सेलरेशन से इधर जा रही है, ठीक है। तो अब देखो इधर f, इधर फिर इधर माइनस का क्या है t1 इज इक्वल ma, m क्या है, मास क्या है 3, a क्या है, a तो a ही है, ये रहा। ये इक्वेशन कौन सी है 3 नंबर। ये अपना टारगेट क्या था, यहाँ पे a निकालना और t निकालना, तो तीनों इक्वेशन को साथ लिख लो। तो पहले देखो एक नंबर इक्वेशन यहाँ पे क्या निकली, t2 इज इक्वल 2a, ठीक है। यहाँ पे फिर दो नंबर इक्वेशन ये थी, यानी t1 माइनस t2 इज इक्वल 1a, ये दो नंबर इक्वेशन। ये 3 नंबर इक्वेशन f माइनस t1 इज इक्वल 3a, यानी f माइनस t1 इज इक्वल 3a, कुछ नहीं किया, ये इक्वेशन निकाली है 1, 2 और 3। अब इनको ऐड करो, क्योंकि अपने को a निकालना है, तो ऐड करोगे तो t2 यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, फिर t1 यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, बचा क्या f इज इक्वल 2, 1, 3, 6a। अब f क्या है, 6 है, तो यहाँ पे f 6 और ये 6a, 6 से 6 गया, यानी a क्या आएगा, यानी 6 को इधर डिवाइड में, यानी ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे बल का मात्रक लिख दो 6 न्यूटन और यहाँ पे 6 ए है यानी एम ए, तो 6 यहाँ पे केजी है, ये तो केजी लेके वैसे देख लो यानी 6 का यहाँ पे मात्रक लिख दो, आना तो यही है। आप ये मत सोचना कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे लगा दिया, क्योंकि 6 केजी यहाँ पे द्रव्यमान लगाओ और एफ 6 न्यूटन लगाओ, यही आएगा आपके पास, ए आ गया। अब आपको चाहिए टेंशन, तो टेंशन फोर्स T2 देखो इक्वेशन अपने फर्स्ट, देखो फर्स्ट में क्या है T2 इज इक्वल टू ए, आप माहौल तो बना ही दोगे इक्वेशन सेकंड से ऐसे T2 इज इक्वल टू ए, तो T2 क्या है T2 इज इक्वल टू इंटू ए कितना है 1 है, तो T2 क्या आया 2 न्यूटन, क्योंकि टेंशन एक फोर्स है। अब T2 आ गया यानी इस स्ट्रिंग में टेंशन आ गई, ठीक है। लेकिन अब देखो स्ट्रिंग ये वाली चेंज है तो इसमें टेंशन T1 है, इसके निकालेंगे तो कौन सी देखो, ये देख लो अपने इक्वेशन जो सेकंड है यहां पे देख लेते हैं ना, T1 माइनस T2 इज इक्वल 1A, 1A को मैं A लिख सकता हूं। अब देखो अपने को क्या निकालना है, T1 ये निकालना है, तो माइनस T2 कितनी है 2 न्यूटन, सॉरी हाँ ठीक है, T2 क्या है 2 है, A भी यहाँ पे क्या है 1 है, क्योंकि A का मान अपने पास आ गया ना, तो ये 1 है, तो ये 2 इधर माइनस का इधर गया, तो T1 क्या आएगा 3 न्यूटन, ये आ गया T1 और ये आ गया T2 और ये आ गया आपके पास A, यानी आप एक्सेलरेशन T ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे अपन, यहीं पे करवाऊंगा मैं, चलो एक घंटे की क्लास तो बनी जानी है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे एक क्वेश्चन और, फिर पुली सिस्टम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन पुली जो प्रॉब्लम है वो आगे वाले में करेंगे अपन, जितने भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो इधर और जिन स्टूडेंट्स के मेरे पास अभी तक देखो व्हाट्सएप पे ही जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, बाद में अपन टेलीग्राम पे भी लेके आएंगे और उसमें फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो इनसे रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे दूंगा, ठीक है बेटा जी, वो आप सोल्व करेंगे और आप वैसे पूछ भी सकते हैं वो क्वेश्चन। अब देखो इधर एक क्वेश्चन और है ऐसा ही ये। अब देखो ये जो ब्लॉक है ये है 7 kg का ये स्ट्रिंग, और ये जो ब्लॉक है वो है 8 kg का। अब इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लग रही है एफ इज इक्वल 30 न्यूटन यानी 30 न्यूटन, और ये है ना ये है अपना यहाँ पे 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो हमें क्या देखना है कि जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग में टेंशन देखनी है, और जो 7 kg एंड 8 kg का जो ब्लॉक है उनमें एक्सेलरेशन ए देखनी है अपने को, ठीक है। तो सीधी सी बात है एफ 30 न्यूटन, तो इनको घटकों में तोड़ेंगे, तो इधर तोड़े तो देखो थीटा की साइड क्या आएगा एफ कोस 60 डिग्री यानी एफ कोस 60 डिग्री, और इसके लंबवत घटक एक इधर होगा वो क्या होगा एफ साइन 60 डिग्री। अब घटकों में तोड़ने का रीजन आपको पता है, यहाँ पे एक ब्लॉक है इसको इधर खींचा तो दोनों साइड एक साथ खींचा जा रहा है तो आएगा तो बीच में, तो देखो इस ब्लॉक को यहाँ लाना है इस ब्लॉक को यहां लाना है, तो चाहे दो आदमी मिलके एक इधर खींचे तो बीच में आ जाएगा, तो इन दोनों ब्लॉकों की बजाय ये लगा सकते हो, बात तो एक ही काम तो वही हो रहा है। या फिर इस ब्लॉक ये बल ना लगा के ये दो बल लगाए यानी इस एक को ऐसे घटकों में वही काम यहां पे किया है, और ये आप वेक्टर से जानते हो कि इसका भी प्रूफ था कि थीटा की साइड एफ कोस थीटा, अब तो अपन ऐसे इसका शॉर्टकट याद रखते हैं ना, तो एफ कोस
60 और एफ साइन 60 ऊपर की ओर। अब देखो इस पे नीचे की ओर क्या लगेगा, एट जी एम जी, तो एम यहाँ पे एट है तो एम जी एट जी। ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगा एन वन, इधर 7 kg वाले पे 7g, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगा एन टू। अब देखो ये 7 kg ऊपर नीचे नहीं जा रहा और 8 kg भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ये आगे जा रहे हैं कौन से त्वरण से, ए त्वरण से, कौन से त्वरण से, ए त्वरण से। अब देखो स्ट्रिंग में टेंशन पैदा हो गई तो जितना 8 kg आगे चलेगा उतना ही 7 kg, जितना वेग में परिवर्तन 8 kg में होगा उतना ही 7 kg में, तो एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम होगा, लेकिन जो टेंशन फोर्स है वो बॉडी से दूर लगता है ना, बॉडी से दूर, यानी इस पे इधर फोर्स लगेगा, ये इधर जा रही है 8 kg इधर जा रहा है, क्या 30 N से इधर जा रहा है, नहीं इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या लग रहा है इस पे, एफ cos 60 लग रहा है। तो जैसे ही इधर जाएगा टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन पैदा होगी तो 8 kg से दूर टेंशन टी होगी, इधर 7 kg आगे जा रहा है, क्या एफ cos 60 की वजह से, नहीं स्ट्रिंग में टेंशन टी होने के कारण, यानी 7 kg पे टेंशन किधर लगेगी, इधर, यानी इससे दूर। तो ये देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो 7 kg पर इस ब्लॉक पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है 7g, ऊपर क्या लग रहा है n2, इस साइड क्या लग रहा है t, और कौन से एक्सेलरेशन से ये इधर जा रहा है, देखो a से, तो देखो ये ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, यानी ये इक्वल है, तो यहां से n2 इज इक्वल क्या आया 7g, यानी ये और ये इक्वल। अब ये t फोर्स से ये जो 7 kg वाला ब्लॉक है t टेंशन फोर्स से आगे जा रहा है इधर, तो फोर्स t इज इक्वल, फोर्स की जगह t ये यूज कर रहे हैं, तो एम ए, एम कितना है 7 और एक्सेलरेशन क्या है ए आ गया। अब इधर देखो 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, यहां पे देखो ये 8 kg वाला बनाए, तो जो 8 kg वाला है तो नीचे की ओर कितना लगेगा 8g लगेगा, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन एक N1 और साथ में एक और लग रही है ना, ये क्या लग रही है एक और F साइन 60 degree। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है N2 निकालना था, तो 7g 10 ले लो तो 7 × g 10 यानी 70 N यानी 70 N आ जाएगा ये नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ से अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी हो तो देखो ये 8 kg वाला ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहा, सिर्फ इधर जा रहा है, तो ये ऊपर वाले टोटल फोर्स और ये नीचे वाला इक्वल होगा, अरे ये टोटल और ये इक्वल होगा तभी तो ऊपर नीचे नहीं जा रहे, सीधा यहाँ जा रहा है, तो देखो इधर क्या आएगा N1 प्लस F साइन 60 इज इक्वल एट जी, यानी ये इज इक्वल ये होगा या नहीं। अब देखो N1 निकालना है तो F आपके पास है 30 रख दो F की जगह, साइन 60 की वैल्यू रख दो और एट जी क्या आ गया 80, यानी 8 × 10 N1 आ जाएगा ना, इसको इधर भेज के ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन 8 kg पे इधर भी तो लग रहा है ना, इधर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है F cos 60, इधर F cos 60 लग रहा है, यानी 8 kg इधर जा रहा है कौन से फोर्स के कारण, F cos 60 के कारण। अब 8 kg पर इधर भी तो फोर्स लग रहा है ना, देखो 8 kg पर इधर टेंशन फोर्स क्या लग रहा है T लग रहा है, बोलो कोई दिक्कत, ये तो हो जाएगा। अब इधर देखो, अब बॉडी इधर जा रही है किस से, ए एक्सेलरेशन से, तो इधर वाला पॉजिटिव इधर जा रही है एफ कोस 60, यानी अपने को क्या देखना है एफ नेट देखना है, तो इधर वाला ज्यादा एफ कोस 60 और इधर वाला माइनस, तो इधर वाला क्या है टी, तो माइनस का क्या आएगा टी इज इक्वल एम ए, एम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो 7 था यहाँ पे 8, तो 8 और ए, क्योंकि जितना ये चले उतना ये, तो एक्सेलरेशन तो इक्वल होगा ना, ये हो गई इसकी इक्वेशन। अब इधर देखो ये यहाँ पे क्या थी t इज इक्वल 7a, ये और ये नहीं सॉरी ये और ये एक जगह छापा है, अब इसको जोड़ करो प्लस करो, तो t से t गया काम से, बचा क्या f cos 60, f cos 60
इज इक्वल 7a और एट ए क्या आएगा 15a आएगा। अब cos 60 क्या होता है, देखो f क्या है यहाँ पे, f 30 न्यूटन था तो 30 इंटू cos 60 क्या होता है 1/2 इज इक्वल 15a, 1/2 2 से ये 15 से ये, तो यहाँ पे a क्या आया 1 m/s², यानी अपन ने क्या कर लिया यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लिया, अपन ने क्या कर लिया यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लिया, यानी इसका और इसका। अब क्या निकालनी थी t, यानी स्ट्रिंग a की है तो टेंशन तो a की है ना, तो t निकालना है अपने को, तो t इज इक्वल क्या होता है 7a, a कितना है यहाँ पे 1, तो 7 × 1 टी क्या आएगा 7 × 1, यानी टी आया आपका 7 न्यूटन। क्या आया टी आपका 7 न्यूटन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ये देख लो। अब देखता हूँ कितने टाइम का हो गया वीडियो, चलो एक पुली सिस्टम और करवा देता हूँ इसमें। अब देखो यहाँ पे अपन बात करेंगे पुली सिस्टम की, कि आखिर मामला क्या है पुली सिस्टम का। तो देखो अब जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी यहाँ, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको पुली सिस्टम का, तो प्रॉब्लम्स उसके जितनी भी होगी आगे वाले लेक्चर सिर्फ पुली प्रॉब्लम्स का ही लेके आएंगे, हो सकता है पुली प्रॉब्लम्स का नहीं चलो एक ही लेक्चर लेके आ जाएंगे 1.5 या 2 घंटे का देखा जाएगा, या फिर 1-1 घंटे के 2 बना देंगे पुली सिस्टम के। तो यहाँ पर मैं आपको पुली सिस्टम का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये एफ नेट, हाँ चलो चलने दो इसको, तो ये है पुली सिस्टम। बड़े ही अच्छे ढंग से देखना बेटा जी, यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तो एक बार तो मैं वो बता रहा हूँ कि पुली स्थिर है, और एक बार मैं ये बताऊँगा कि पुली जब ऊपर नीचे ऐसे मूव करे तब क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट जब आप पहले ये सीखोगे फिर वहाँ चलेंगे। तो पुली सिस्टम देखो, ये दृढ़ आधार है, इससे ये पुली लटकी है एक यहाँ, ठीक है। अब देखो ये पुली है घिरणी जिसको बोलते हैं, तो ये जो पुली है ये यहाँ पे ली गई है फ्रिक्शनलेस और मासलेस है। पुली कैसी है, फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है, यानी घर्षण भी नहीं है और द्रव्यमान भी नहीं है, ऐसी ली गई है। आगे अपन मास वाली पुली की भी बात करेंगे और घर्षण वाले की भी बात करेंगे, लेकिन 95% यही चीज़ें आती है, क्योंकि इससे पहले फिर फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना अपन, सॉरी फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना उसके बाद इसकी बात आएगी। अब ये जो पुली है घिरनी, आपने देखा होगा राजस्थानी सॉन्ग में ऐसे जो घिरनी लगी होती है, फिर वो लेडीज ऐसे पानी निकालती है, उस घिरनी से आसानी से निकल जाता है पानी। ये देखो ये क्या है, इस पर ऐसे लटकी हुई है स्ट्रिंग, यों ये स्ट्रिंग है। अब देखो यहां पर ये मास है M1 और ये मास है M2। देखो इस पुली पे एक ऐसे स्ट्रिंग लटकी है, यहां पे M1 मास का कोई ब्लॉक है, यहाँ पे M2 का, और जब ऐसा हो M2 is greater than M1 हो, यानी M1 से M2 बड़ा हो, तो अपने को निकालना क्या है, स्ट्रिंग की टेंशन निकालनी है, जो स्ट्रिंग है उसकी क्या निकालनी है अपने को, टेंशन निकालनी है, ठीक है। अब देखो M2 मास ज्यादा है और M1 क्या है, M2 से M1 कम है, तो देखो नीचे की ओर यहाँ पे क्या लगेगा M1g। अगर अपने को एक्सेलरेशन निकालना हो तो भी अपने यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देखो नीचे M1g लग रहा है, M2 नीचे क्या लगाएगी M2g। देखो gg सेम है, जी सेम है, लेकिन यहाँ M1 है, M1 से M2 ज़्यादा है ना, तो M2g ज़्यादा लगेगा, तो M2g ज्यादा, तो ये स्ट्रिंग इधर, यानी ये M2g ए एक्सेलरेशन से इधर आएगी ना, क्योंकि M2 मास ज्यादा है
तो ये मास इधर यानी ये स्ट्रिंग इधर आएगी, यानी ए तवण से ये ब्लॉक इधर आएगा एम टू वाला, और ये नीचे आएगा तो ये M1 ऊपर जाएगा, M1 ऊपर जाएगा तो कौन से एक्सेलरेशन से, A से। देखो M2 A से नीचे आ रहा है, M2 तो A से नीचे आ रहा है और M1 A से ऊपर जा रहा है। अब टेंशन इनसे दूर, देखो ये स्ट्रिंग है, क्या है स्ट्रिंग है, तो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे इस पे क्या लगा रही है नीचे की ओर, देखो इधर ये नीचे की ओर mg यानी रस्सी में टेंशन है, तो अब m2 पे टेंशन फोर्स ऊपर की ओर नहीं लगेगा क्या, t, क्यों, क्योंकि m2 ब्लॉक नीचे चला जाता, क्योंकि m2g लग रहा है, m2 पे m2g लग रहा है नीचे चला जाता, लेकिन स्ट्रिंग ने रोक के रखा है क्योंकि स्ट्रिंग ऊपर की ओर इस पे फोर्स लगा रही है तभी तो टेंशन पैदा हुई है, तो इस पे फोर्स t। अब m1g फोर्स से नीचे चला जाता लेकिन स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो स्ट्रिंग में खिंचाओ यानी स्ट्रिंग ऊपर की ओर, देखो ईंट, आपने ईंट को हाथ में पकड़ रखा है तो ईंट नीचे चली जाती, क्यों, क्योंकि ईंट का द्रव्यमान m है तो नीचे mg लग रहा है, लेकिन आपके हाथ ने आपको ऐसे फील होता है ना कि हम ऐसे ऊपर इसको खींच रहे हैं यहीं पे, जितना नीचे mg लग रहा है उतने ही बल से तब तो ये वह जाती, अगर अपन ऊपर ज्यादा बल से खींचते तो ये ऊपर आ जाती, तो इस m1 पे भी तो ऊपर की ओर क्या लग रही है, टेंशन t लग रही है, ठीक है। अब M1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, किसका, M1 का, तो M1 पे नीचे क्या लग रही है, M1G, ऊपर क्या लग रही है, टेंशन T, ऊपर लग रही है T, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन क्या है, ये ऊपर जा रही है A एक्सेलरेशन से, तो देखो फोर्स ज्यादा कौन सा है इधर, यानी रिजल्टेंट क्या होगा, ऊपर की ओर ज्यादा लग रहा है, अरे ये T ज्यादा है तभी तो ये ऊपर खिंचाव ज्यादा है, तो ऊपर की ओर ज्यादा है तो इसका T, फिर नीचे वाला M1G, और ऊपर कौन से एक्सेलरेशन से जा रही है, A से जा रही है ये इधर, तो A से जा रही है तो इज इक्वल, देखो टोटल फोर्स T माइनस M1G, ऊपर किससे जा रही है MA, तो इसका मास क्या है M1, और जा किससे रही है A से, एक इक्वेशन ये हो। अब इसका देखो फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पे क्या है ये M2, अब M2 पे क्या लग रहा है नीचे की ओर, ध्यान से देखना M2G, M2G, और इस पर ऊपर की ओर क्या लग रहा है T, ऊपर की ओर क्या लग रहा है T, और ये A तवण से नीचे आ रही है, ये तो A तवण से ऊपर जा रही थी, ये A तवण से नीचे आ रही है, A तवण से नीचे आ रही है, कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा कौन सा है M2G, तो ये रहा M2G ज्यादा, फिर माइनस का, फिर ये T और M2A, देखो टोटल फोर्स क्या है, M2G ज्यादा है, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाया इज इक्वल MA, M यहाँ पे इस बॉडी का मास है वो है M2A, बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है क्या, ये मैं आपको यहाँ पे छाप दूँ तो क्या होगा, देखो M2G माइनस T, ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दे, फिर ऐड करेंगे ना, फिर M2 ही, कुछ नहीं किया इसको यहाँ छापा है, तो देखो ये T प्लस का, ये T माइनस का, कैंसिल आउट, अब इनको इनको ऐड करो तो यहाँ पे ये आ गया M2G प्लस का, ये माइनस का है क्या M1G इज इक्वल, ये M1A और M2A ऐड होगा, तो M1A प्लस M2A, इनको ऐड किया, इनको दिख रहा है क्या, एक बार देख लें नीचे तक, हाँ अभी तो और भी दिखेगा ना, अब देखो यहाँ पे G कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा M2 माइनस M1, यहाँ पर G कॉमन आ गया, इधर क्या कॉमन आ रहा है A कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा M1 प्लस M2, और क्या निकालोगे A एक्सेलरेशन निकालोगे, तो यहाँ से A निकालोगे तो A क्या आएगा, देखो A के सामने ये वाला है ना, ये वाला क्या है M2 माइनस M1, और G हमें निकालना क्या था, सिर्फ A निकालना था, तो A के मल्टीप्लाई में M1 प्लस M2 है, इसको इधर भेज दो डिवाइड में, तो M1 प्लस M2, बोलो कोई दिक्कत है क्या, A आ गया। अब अपने को यहाँ से क्या निकालना हो, अगर टेंशन निकालनी हो तो टेंशन कैसे निकलेगी, देखो T माइनस कोई भी इक्वेशन ले लो M1G इज इक्वल M1G इज इक्वल M1A, तो M1 तो है ही यहाँ पे, A A ये होगा, A क्या है M2 माइनस M1 अपॉन
M1 प्लस M2 और ऊपर G से मल्टीप्लाई ऐसे आ जाएगा। अब M1 G को इधर भेजोगे तो ये इधर प्लस का T आ जाएगा। अब इसको एक आप सीधा भी कर सकते हो। कैसे, एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो लेकिन वहाँ से T कैसे निकलेगा वो नहीं निकलेगा। टी के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और फ्री बॉडी डायग्राम में अपन क्या करते हैं, किसी एक बॉडी पर लगने वाले फोर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पुली को ये लो, एक मेज लिया आपने, यहाँ पे ये मास क्या है M1, इस स्ट्रिंग को आपने सीधा कर दिया, इस स्ट्रिंग को आपने सीधा किया, इसको ऐसे कर दिया, ये इधर मास क्या है M2। तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात है कि जितना M1 ऊपर जाएगा A एक्सेलरेशन से, M2 क्या आएगा A एक्सेलरेशन से नीचे, यानी जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा। तो जितने वेग से ऊपर उतने वेग से ये नीचे, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है, तभी तो टेंशन सेल थी। तो त्वरण AA इक्वल होगा, जानते हो। तो M1 पर इधर लग रहा था क्या M1G, देख लो, यानी देखो इसको जैसे ही आपने ऐसे किया तो M1G इधर लगा और M2 को आपने ऐसे किया तो M2G इधर। अरे सिर्फ समझ रहे हैं, ऐसे लग नहीं रहा, एक शॉर्ट ट्रिक निकाल रहे हैं, M2G यानी इसको इधर, M2G इधर। तो देखो M1G तो इधर लग रहा था लेकिन त्वरण तो देखो, ये ऐसे स्ट्रिंग सीधी की, इसको ऐसे कर दिया स्ट्रिंग को, तो ये एक्सेलरेशन तो ए तो इधर ही लगेगा ना, यानी M1 भी ए से इधर जाएगा और M2 तो ए से इधर जा ही रहा है, देख लो ए से इधर, यानी इसको ऐसे किया तो इधर ही जाएगा। अब टोटल सिस्टम देखेंगे तो अंदर का मामला नहीं देखेंगे, तो ये टोटल सिस्टम है। तो ए क्या होता है, एफ नेट अपॉन एम टोटल, ठीक है। तो यहां से ए क्या आएगा, ए क्या आएगा, एफ नेट क्या है, यानी बॉडी ए एक्सेलरेशन से इधर जा रही है तो ये वाला ज्यादा है, तो क्या आएगा M2G माइनस इधर वाला नेगेटिव M1G, ये आ गया। अब दोनों में जी कॉमन आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो M2 माइनस M1G अपॉन M टोटल क्या है M1 प्लस M2, तो ये लो M1 प्लस M2। आप सौ ट्रिक में ऐसे भी निकाल सकते हो, देख लो A का निकाला था अपन ने, वही निकाला था, वो जो A है और ये जो A है ये सेम है, ठीक है बेटा जी। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, अब आगे ये जो पुली सिस्टम है इनकी ढेर सारी प्रॉब्लम्स मैं लेके आऊँगा, ढेर सारे कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊँगा कि यहाँ पे ये पुली रुकी हुई है, फिर ये ऊपर नीचे भी जाएगी। अब देखो एक चीज़ और भी बता दूँ मैं, ये जो है स्ट्रिंग, इसमें भी तो ऊपर की ओर टेंशन होगी ना, क्या होगी T1। अब ये पुली पी है, पुली पी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये पुली पी है ऊपर की ओर, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन भी चेंज होगी, तो ये T1। देखो ये पुली है, ये नीचे की ओर आना चाहती है, क्यों, क्योंकि इस पे दो ब्लॉक है M1 M2, नीचे की ओर क्या है दो ब्लॉक, इसको इधर खींच रहे हैं, तो ब्लॉक खींच रहे हैं रस्सी को नीचे की ओर, और ये देखो अभी ये जो स्ट्रिंग है ये पी को इधर नहीं खींचेगी क्या, यानी देखो बॉडी से दूर लगते हैं, M1 M2 से भी टेंशन दूर, पी से भी तो टेंशन दूर लगेगी, यानी हमने दो ब्लॉक बनाए थे इधर, तो इस पर इधर टेंशन लगी, तो इस पर इधर टेंशन नहीं लगी क्या, तो ये ब्लॉक है इस पे टेंशन इधर लगी, तो इस पुली पे टेंशन इधर नहीं लगेगी क्या टी, ऐसे ही स्ट्रिंग सेम है तो इस पर पुली पर इधर भी टी, क्यों, क्योंकि पुली को ये रस्सी भी ऐसे खींच रही है ना, तो रस्सी इधर भी टी इस पुली पी पे नहीं लगा रही क्या, तो इधर भी टी लगा रही है और इधर भी क्या लगा रही है टी लगा रही है पुली पर, लेकिन पुली यहीं पे फिक्स है, फिक्स होने का मतलब जितना ये है उतना ही ये है, आगे बताऊंगा मैं आपको ये। तो T1 इज इक्वल टी और टी सेम डायरेक्शन में है तो 2T आएगा, और टी की वैल्यू वहाँ से कहाँ से जो अपन ने पहले निकाली थी ना वो टी की रख देंगे तो T1 आ जाएगा ना, ये वाला, ये अपन आगे वाले में करेंगे, ठीक है बेटा जी। तब तक आप यहाँ पढ़ते रहिएगा और आगे भी आप, आपको जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले NLM के वो करते रहना, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बनेगा बेटा।